नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार, ARP जनपद बरेली, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं निपुण भारत अभियान के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके विषय में। इससे पहले हम डिस्कस करें निपुण भारत अभियान के लक्ष्य क्या हैं, आइए मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि निपुण भारत अभियान आखिरकार क्या है। साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा निपुण भारत अभियान, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निपुण भारत अभियान को अगर हम समझना चाहें तो इसकी इंग्लिश फॉर्म होगी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, यानी कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल। साथियों, यह निपुण भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। पूरे देश में 5 जुलाई 2021 को इसे संचालित किया गया, लागू किया गया और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया इस अभियान के तहत कि वो लक्ष्य हमें 2026 और 27 तक कैसे प्राप्त करने हैं। तो इनकी एक समय सीमा निर्धारित की गई कि हमें इन लक्ष्यों को 2026-27 तक प्राप्त करने हैं। साथियों, निपुण भारत अभियान का जो क्राइटेरिया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत अगर कक्षाओं को देखें तो बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। यदि हम आयु संगत बात करें तो इसमें 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे कि निपुण भारत अभियान के लक्ष्य क्या हैं। साथियों, निपुण भारत अभियान के तहत केवल भाषा और गणित को ही आधार बनाया गया है। भाषा के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, गणित के लिए कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। भाषा को हम 4 खंडों में डिवाइड कर लें और गणित को भी हम 4 खंडों में डिवाइड कर लें। 4 खंड को अगर समझें तो यानी पहला खंड बाल वाटिका के लिए, दूसरा खंड कक्षा 1 के लिए, तीसरा खंड कक्षा 2 के लिए और चौथा खंड कक्षा 3 के लिए। तो भाषा की जब हम अगर बात करेंगे तो अक्षरों की पहचान और संगत ध्वनियों की पहचान यदि कोई बच्चा कर पाता है अच्छे से, और 2 अक्षर वाले शब्द जैसे चल, घर, नल, पर, इस तरीके के शब्दों को अच्छे से पढ़ लेता है तो वो बाल वाटिका की दक्षता रखता है। साथियों, कक्षा 1 के लिए भाषा में हम ये कहेंगे कि 4 से 5 या 5 से 6 सरल शब्दों का एक वाक्य अगर बच्चा समझ के साथ पढ़ लेता है तो वो कक्षा 1 की दक्षता रखता है। साथियों, अब कक्षा 2 के विषय में बात करें तो 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह की दर से, कम से कम 45 शब्द प्रति मिनट प्रवाह की दर से वो किसी अनुच्छेद को समझ के साथ यदि पढ़ता है और उसके 75% प्रश्नों को का उत्तर बता पाता है तो समझ लीजिए कि वो कक्षा 2 की दक्षता रखता है। और कक्षा 3 के लिए भाषा में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह की दर से वो किसी अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ लेता है और उस अनुच्छेद के 75% प्रश्नों का सही जवाब दे देता है तो वो कक्षा 3 की दक्षता रखता है। अब साथियों, हम बात करते हैं गणित के लक्ष्य क्या है। बहुत ही सिंपल है, इसी प्रकार गणित को भी हम 4 खंडों में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला खंड बाल वाटिका के लिए है उसमें बच्चा एक से लेकर के 10 तक की संख्याओं की समझ रखता हो, उसे अच्छे से पढ़ लेता हो और उनके बीच में छोटे और बड़े का अंतर समझ जाता हो, कम और ज़्यादा का अंतर समझ जाता हो, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेता हो, जैसे 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगी, इस तरीके से अगर बच्चा 1 से 10 तक की गिनतियों को समझता है तो वो बाल वाटिका के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है। अब हम बात करते हैं कक्षा 1 के लिए, तो साथियों कक्षा 1 के लिए 1 अंकीय जोड़ और घटाने की बात रखी गई है कि बच्चा यदि 1 अंकीय जोड़ और घटाना अच्छे से उसके 75% प्रश्नों को हल कर ले रहा है तो कक्षा 1 की दक्षता रखता है। और कक्षा 2 के लिए 99 तक की संख्याओं की समझ के साथ साथ 2 अंकीय जोड़ और घटाने की समझ बच्चा रखता है, 2 अंकीय जोड़ घटाने की, तो वो कक्षा 2 की दक्षता रखता है। साथियों, और कक्षा 3 के लिए 999 तक की संख्याओं की समझ रखता हो, यानी 3 अंकों के जोड़ और घटाने की समझ रखता हो बच्चा, और साधारण गुणा की अवधारणा
की समझ रखता हो, यानी दो या तीन अंकों के सिंपल सिंपल गुणा अगर बच्चा कर लेता है तो कक्षा तीन की वो दक्षता रखता है निपुण भारत अभियान के तहत। साथियों, ये जो मैंने दक्षताएं बताई हैं, ये जो लक्ष्य बताए हैं निपुण भारत अभियान के, ये हमारे परियोजना के द्वारा जो गाइडलाइन जारी है की गई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी गाइडलाइन है जो निपुण भारत अभियान के तहत जो लक्ष्य हैं उनके विषय में बताया गया है। कहीं कहीं पर अगर आप इंटरनेट में सर्च करते हैं निपुण भारत अभियान के लक्ष्य, तो कई जगह थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है कि निपुण भारत के लक्ष्यों में जो गणित के लक्ष्य हैं कक्षा तीन के लिए, उसमें मापन की विधियों को भी शामिल किया गया है और आकृतियों के ज्ञान को भी शामिल किया गया है। आकृतियों की समझ का मतलब वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, इनकी समझ है, घन और घनाभ है, शंकु बेलन, इनकी समझ रखता हो, और साधारण मापन को भी शामिल किया गया है, यानी कि जैसे लंबाई का मापन है, वजन का मापन है, इनको भी कहीं कहीं पर दिखाया गया है कक्षा तीन के बच्चे का। तो साथियों, ये निपुण भारत अभियान के लक्ष्य थे और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है निपुण भारत अभियान के लक्ष्यों को आत्मसात करिए, बच्चों के अभिभावकों के साथ डिस्कस करिए, समाज के हर समुदाय के साथ, हर तबके के साथ आप इसे डिस्कस करिए, इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दीजिए, ताकि साथियों हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम इतनी दक्षताएं जरूर रखें। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, सलाम।